देखिए, किसी का किसी से प्रभावित होना तभी होता है जब वो प्रभावशाली हो। कोई उसी से प्रभावित होता है जब कोई सामने वाला व्यक्ति प्रभावशाली हो। यदि कोई प्रभावशाली है तभी प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ता है तभी कोई लड़की किसी की तरफ आकर्षित होती है, किसी को देखना पसंद करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्क एनीथिंग में। यहाँ मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठी हूँ, और आपके बहुत से सवाल हमारे पास आए हैं। दोस्तों, आज जो सवाल आपका है, जिसका मैं आपको जवाब देने जा रही हूँ, वो है कि यदि कोई लड़की आपको बार बार देखती है, बार बार देखती है और मुस्कुराती रहती है, लगातार देख रही है, कई दिनों से देख रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, या इसका क्या सही मतलब क्या है? कुछ राइट वे से देख रही है या कुछ रॉन्ग वे से देख रही है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपको क्यों देख रही है? ये सवाल बहुत से लोगों ने मुझसे किया है, और मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको कोई लड़की बार बार देखती है तो उसके कुछ खास कारण हैं। आइए आज उसी कारण पे बात करते हैं, और उसके करीबन 5 से 7 कारण हैं जो उसके जेन्युइन कारण हैं। पहला, आप उसे अच्छे लगते हो, आपकी डैशिंग पर्सनालिटी उसे अट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए शायद वो आपको बार बार देखती है। एक, आप उसे अच्छे लगते हो इसीलिए आपको बार बार देखती है। दूसरा, हो सकता है कि वो आपसे बात करना चाहती हो। लगातार कोई किसी को देख रहा है तो इसके पीछे यही इंटेंशन हो सकता है कि वो आपसे बात करना चाहती है। तीसरा, हो सकता है कि वो किसी ऐसी समस्या में हो जिसका सॉल्यूशन वो आपके माध्यम से चाहती हो। वो चाहती हो कि अगर आप उसके दोस्त बन जाते हैं तो हो सकता है कि उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तीसरा, चौथा, हो सकता है कि वो आपसे दोस्ती करना चाहती हो, तभी वो आपको लगातार देख रही है, बार बार देख रही है, कितने दिनों से देख रही है, तो आपसे हो सकता है कि वो दोस्ती करने का भी इरादा रखती हो। पांचवा, अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा उसे आप अच्छे लगे हो, तभी वो आपको देख रही है, हो सकता है कि अंदर ही अंदर वो आपको चाह भी रही हो, लेकिन यह भी ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो आपको देख रही है तो आपसे दोस्ती ज़रूर करना चाहती है। पांचवा, छठा, कुछ समय में, ये डिपेंड करता है कि आपको कितने लंबे समय से देख रही है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 6 महीना, ऐसा भी हो सकता है। तो कितने लंबे समय से वो आपको देख रही है, उनके देखने का इंटेंशन क्या है, वो आपसे दोस्ती भी करना चाहती है, वो आपसे बात भी करना चाहती है, हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन वो आपके माध्यम से चाहती हो, या हो सकता है कि उन्हें आप बहुत गुड लुकिंग, बहुत स्मार्ट लग गए हो तो भी वो आपको देख रही हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, आइए इस पर आते हैं। पहला, यदि कोई लड़की आपको देख रही है तो नो डाउट आप उसको अच्छे लग रहे हो, आप गुड लुकिंग हो, सिंसियर हो, स्मार्ट हो, इसलिए। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो वो सिर्फ आपसे शेयर कर सकती है, आपसे बोल सकती है, उसको कुछ नीड ऐसी हो जिसको वो आपसे कह करके हो सकता है अपनी तकलीफ़ को दूर कर सके, या अपने दर्द को दूर कर सके, या कुछ उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा, इमोशनल सपोर्ट भी होता है जो उसको चाहिए होता है, तो हो सकता है इमोशनल सपोर्ट के लिए वो आपको देख रही हो। अब अगर आपके साथ ये घटनाएं घटती हैं, या कोई लड़की इस तरीके से आपको फॉलो कर रही है, आपको देख रही है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको उससे बात करनी चाहिए। जी हाँ, बजाय पीछे हटने के, बजाय उसे अवॉइड करने के, उससे बात करनी चाहिए। इवन आज के टाइम में तो देखिए क्या है ना, कि जल्दी लड़कियाँ किसी को देखती ही नहीं हैं, फिर भी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि अगर कोई लड़की आपको देख रही है, और अगर कोई लड़की आपको देख रही है तो वो आपसे बात करना चाहती है, आपसे अपने मन की बात शेयर करना चाहती है, आपकी दोस्त बनना चाहती है, और दोस्त बनने के बाद ये डिसाइड हो पाएगा कि हाँ, उसकी दोस्ती कहाँ तक, किस हद तक, कितनी सीमा तक है, और वो इस दोस्ती से क्या चाहती है। हो सकता है उसे अच्छी जॉब की नीड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे लगता हो कि आप उसे कोई बेहतरीन प्रोजेक्ट दिला सकते हो। बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं। देखिए, किसी का किसी से प्रभावित होना तभी होता है जब वो प्रभावशाली हो। कोई उसी से प्रभावित होता है जब कोई सामने वाला व्यक्ति प्रभावशाली हो। यदि कोई प्रभावशाली है तभी प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ता है तभी कोई लड़की किसी की तरफ आकर्षित होती है, किसी को देखना पसंद करती है, किसी के बारे में सोचना पसंद करती है, वो इस मौके की ताक में रहती है कि कब आपसे बात हो जाए। आपके पास है कि टाइम ही नहीं है रुकने का, बात करने का, तो ऐसा है कि थोड़ा सा समय निकालिए। अगर ऐसी कोई लड़की आपके आसपास है जो आपको देख रही है, तो
तो समय निकाल के उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या है। देखिए रॉन्ग इंटेंशन तो किसी का नहीं हो सकता है, राइट इंटेंशन ही होगा, बट अगर राइट इंटेंशन में भी कितना राइट इंटेंशन है, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे ये पता नहीं चलेगा। तो ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा समय निकाल करके आप उन्हें समय दीजिए, तवज्जो दीजिए, हो सकता है वो आपकी अच्छी दोस्त साबित हो सके इन फ्यूचर, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि सामने वाले के मन में चल क्या रहा है। इसके लिए आपका उनसे बात करना बेहद ज़रूरी है, तो ज़्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हमें किसी ने बहुत ज़्यादा फॉलो किया, हमें किसी ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया और हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है उनको टाइम देने के लिए, हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, फिर होता क्या है ना कि अगले बंदे को भी लगता है अरे यार छोड़ हटा क्यों, बिल्कुल हम पीछे पड़े, हम छोड़ देते हैं, हटाते हैं इस चीज़ को, तो फिर वो बिल्कुल इंटरेस्ट लेना छोड़ देती हैं और वो फिर कहीं और लग जाती हैं। तो समय रहते कोशिश कीजिए कि आप उनसे बात कर लीजिए, उनके मन की बात को समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि वो आपकी दोस्त बन सकती हैं या फिर हो सकता है उनका लाइफ पार्टनर बनने का इरादा है, और आपको वो कितना अच्छी लगती हैं ये तो भाई आप ही बता सकते हैं ना। बिकॉज देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को लंबी लड़की पसंद है, किसी को थोड़ा सा मीडियम हाइट की हो तो ज़्यादा बेटर है, किसी को मोटी, किसी को तंदुरुस्त, किसी को बल्कि, किसी को गोरी, किसी को गेहूं कलर की, किसी को सांवली, किसी को शर्मीली, किसी को बिंदास, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अब जो आपसे बात करना चाहती हैं वो किस एंगल से बात करना चाहती हैं, बिना बात किए तो पता चलेगा नहीं, हो सकता है कि गर्लफ्रेंड बनने का इरादा रखती हैं, हो सकता है दोस्ती तक सीमित हो सकता है जॉब प्रोफाइल की कोई नीड हो, ये भी या ये भी हो सकता है कि वो लाइफ को लेकर की कुछ डिसीजन मन में ले रही हूँ, कुछ सर्च कर रही हूँ अपनी लाइफ के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, तो इस वजह से भी वो आपको देख सकती हैं। भाग्यशाली हो आप कि आपको भला वो देख रही हैं, आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, तो जब तक वो आपसे बात करेंगी नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उनके मन में क्या है। इसलिए जहाँ तक हो सके बिना समय बर्बाद किए उन्हें समय दीजिए, थोड़ा सा उनसे बात कीजिए, समझिए कि क्या मैटर है, किस लिए वो आपको फॉलो कर रही हैं, किस लिए आपको देख रही हैं, क्योंकि आप उनसे बात कर लेंगे तो उनके मन में जो कुछ भी है, लंबे समय से जो कुछ भी पनप रहा है, जो कुछ भी फीलिंग्स हैं, वो थोड़ा सा निकलेंगी कि हाँ क्या है। ठीक है, तो समय देखते हुए ज़्यादा डिले मत कीजिए, बिकॉज हाथ से अगर कोई निकल गया तो फिर वापस लौट करके नहीं आता दोस्तों। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आप जाके उनसे मिलके उनसे बात कर लीजिए और क्लियरली पूछ लीजिए कि बात क्या है, तुम मुझे क्यों देख रही हो। दोस्तों पता नहीं ज़िंदगी में किस रूप में कौन सा दोस्त बहुत अच्छा मिल जाए आपको, क्योंकि कभी कभी इस रिश्ते की बगिया में कभी कुछ खो जाता है, कभी कुछ मिल जाता है। हमारा काम है उसे कितना सहेज पाते हैं, कितना सचेत कर पाते हैं, हम कितने सिक्योर हैं, हम कितने बिल्कुल माइंड लगा करके देख रहे हैं कि हाँ भाई हमारा रिश्ता कितना मजबूत होता है। तो जब तक आप उनको ट्राई नहीं करोगे, उनसे मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश से ये वीडियो आपके लिए बनाया और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और आपके जो भी सवाल हैं प्लीज़ आप प्ले स्टोर पर जाके कॉल मी फॉर ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। नमस्कार।